So, a river and swimmer problem number 7 and 8 is solved for in problems. ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये कोई एक रिवर, ये कोई एक रिवर बेटा, इसमें वाटर का फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी वी आर से, ठीक है, वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यू कैन से आल्सो वी आर जी लिख सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पर दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है ऑब्जर्वर वन, एक ऑब्जर्वर इसी रिवर के अंदर किसी एक राफ्ट के ऊपर खड़ा है, वो राफ्ट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है बेटा। अगर ये इसके अंदर फ्रीली फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली उसी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा होगा जो वेलोसिटी रिवर की है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ऑब्जर्वर की सिचुएशन समझाई, ये हमारा रिवर है, रिवर के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी वी आर। देयर आर टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर 1 इज इन रेस्ट, ही इज ऑन ग्राउंड, और जो ऑब्जर्वर 2 है वो किसी राफ्ट पर खड़ा और राफ्ट उसी रिवर में फ्लो कर रहा है, रिवर रिवर के फ्लो के साथ, ठीक है, उसी डायरेक्शन में। तो जो वेलोसिटी रिवर की है वही एक्चुअल वेलोसिटी ऑब्जर्वर की। अब मान लीजिए ये रिवर की विड्थ हो गई कुछ, विड्थ थोड़ी इसको मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। मान लीजिए कोई स्विमर है यहाँ पर और वो स्विम कर रहा है, ठीक है, स्विमर जो है वो स्विम कर रहा है यहाँ पर, ये स्विमर है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसा कुछ यहाँ पर है, और ये स्विम कर रहा है ना थीटा एंगल पर, ठीक है। जब ये ऑब्जर्वर 2 इसको देखेगा, ऑब्जर्वर 2 इसको देखेगा स्विमर को, क्योंकि ये ऑब्जर्वर 2 उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर इसकी वेलोसिटी को एकदम एक्चुअली ऑब्जर्व करेगा कि यस ही इज मूविंग एट एन एंगल थीटा, बिल्कुल वही चीज ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि ये रिवर का फ्लो ही तो है, ठीक है ना, रिवर का फ्लो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में, मतलब रिवर के अंदर अगर आप फ्लो कर रहे हो और आप किसी स्विमर को देख रहे हो तो स्विमर जो है वो थीटा एंगल पर वहां पर स्विम कर रहा है, तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसके मोशन को देख पाओ। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ बाहर ग्राउंड पर बैठा हुआ है और ग्राउंड पर बैठ करके वो उसके स्विमर की वेलोसिटी को देख रहा है, स्विमर की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है, then he will get another velocity observed, उसको कुछ अलग एंगल पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जब ये बाहर यहाँ बैठ करके देखेगा तो इसको स्विमर की velocity कुछ अलग दिखाई पड़ेगी, रिवर के अंदर रिवर के फ्लो के अलावा अगर आप देखोगे तो velocity कुछ अलग दिखाई पड़ेगी, और जब आप बाहर किनारे पर खड़े होकर के स्विमर को देखोगे तो कुछ अलग दिखाई पड़ेगा, जबकि मोशन वही है, सिर्फ बदल क्या रहा था, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिचुएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन बदल रहा है, तो उसके हिसाब से मतलब ये है कि रिवर और स्विमर प्रॉब्लम में भी हम रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई कर सकते हैं, बट हम आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आपको यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी लेना है, नहीं, हम आपको केवल दो, इसके दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, उनको हैंडल कैसे करना बस उसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। वी आर गोइंग टू रिजॉल्व द सिचुएशन, सिचुएशन को रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल अलग डिस्कस करेंगे, वर्टिकल अलग, जैसे प्रोजेक्टाइल निकला था, और उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है बेटा। तो ये जो है आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप नदी के अंदर फ्लो कर रहे हैं, नदी के अलावा फ्लो कर रहे हैं और आप किसी स्विमर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन यू आर ऑब्जर्विंग द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और अगर आप ग्राउंड पर खड़े होकर स्विमर की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन यू आर ऑब्जर्विंग द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दैट विल बी डिफरेंट बिकॉज रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड अलग है, और जब आप ग्राउंड से देखोगे तब उसकी स्पीड अलग दिखाई पड़ेगी। और एक बात और है यहाँ पर, जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, फार्मूला आपको रिलेटिव वेलोसिटी का पता है। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, दो सिचुएशंस हैं, दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन को हमें यहाँ पर हैंडल करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मान लीजिए हमारे पास ये रिवर है, इस रिवर की विड्थ है डी, और इस रिवर के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है बेटा इस डायरेक्शन में कुछ एक वेलोसिटी वी आर से, ठीक है। अब एक स्विमर आता है और वो सोचता है कि मुझे इस नदी को क्रॉस करना है, मुझे इस रिवर को क्रॉस करना है स्विम करते हुए, तो बताना बेटा किस डायरेक्शन में उसको स्विम करना होगा, फर्स्ट डायरेक्शन में, सेकेंड डायरेक्शन में, या फिर थर्ड डायरेक्शन, ठीक
किस डायरेक्शन में वो स्विम करे जिससे कि वो रिवर को क्रॉस कर जाए। तो सेकंड, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। अगे देखो शॉर्टेज नहीं, मैं कंडीशन ही बता रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल सिचुएशन ले रहा हूँ बेटा। अगर किसी स्विमर को इस रिवर को क्रॉस करना है एनी हाउ, वेदर इट इज शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट टाइम, व्हाटएवर, बस वो इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है, तो उसको किस डायरेक्शन में स्विम करना ज्यादा बेटर रहेगा क्रॉस करने के लिए। तो कभी भी कोई भी स्विमर जब रिवर को क्रॉस कर, इन डायरेक्शन ऑफ रिवर, वाटर इज स्टिल नहीं है, वाटर इज स्टिल नहीं है, सर, इन डायरेक्शन ऑफ रिवर वेयर इट इज फ्लोइंग। सेकंड, देखो मैं तीनों डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअली ही कैन क्रॉस द रिवर इन ऑल थ्री केसेस, ठीक है, लेकिन फर्स्ट केस इज गोइंग टू बी टिपिकल, फर्स्ट वाला केस टिपिकल होने वाला है उसके लिए। क्यों? जब ये स्विमर इस रिवर के अंदर इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा, उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक कंपोनेंट जो वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगा और एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसको रिवर को क्रॉस करना था, ठीक है, इस जगह से इस जगह पर जाना था, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा चलेगा, लेकिन जब इस एंगल पर जाएगा ना, तो वो इस रिवर को क्रॉस करने में बहुत ही ज्यादा ड्रिफ्ट ले लेगा, बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। मतलब देयर आर नो एनी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज गोइंग टू बैलेंस द रिवर स्पीड। रिवर की स्पीड को बैलेंस करने के लिए इसके पास कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं होगा। अगर वो इस डायरेक्शन में स्विम करेगा, अगर ये इस डायरेक्शन में स्विम करेगा बेटा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर एक इधर, ये वाला कंपोनेंट रिवर की वेलोसिटी को सपोर्ट कर देगा, तो आगे की तरफ कम जाएगा और बढ़ता रहेगा वो नदी के साथ आगे की तरफ, ठीक है, मतलब उस तरफ कम जाएगा, बहुत कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा, इस तरफ वो फ्लो करता रहेगा। इसलिए कोई भी स्क्वायर कभी भी रिवर को क्रॉस करने के लिए ये वाला रास्ता तो कभी नहीं चुनता है, कभी भी इस रास्ते को वो सेलेक्ट नहीं करता है, बिकॉज थकेगा भी और बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए। अब बचती है दो सिचुएशन, दो सिचुएशन क्या है बेटा, ये फर्स्ट सिचुएशन मतलब क्रॉस हो जाएगा हाइपोथेटिकली, मैथमेटिकली यू आर गोइंग टू सी दिस, यस बिल्कुल वो क्रॉस कर सकता है बिकॉज़ एक कंपोनेंट है रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर, तो क्रॉस कर सकता है, बट इट इज गोइंग टू बी टेबल, ठीक है। अब बचते दो सिचुएशन, थर्ड और सेकंड। अब ये थर्ड और सेकंड सिचुएशन क्या है, मोस्टली जब भी कभी कोई स्विमर रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो ही विल प्रेफर दिस वन, ये वो इस पर है, थर्ड सिचुएशन को ज्यादा प्रेफर करता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी थर्ड और सेकंड दोनों की सिचुएशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। अगर मान लो स्विमर के दिमाग में बात आती है कि मुझे इस रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट टाइम, चलो शॉर्टेस्ट टाइम की बात करते हैं, दो सिचुएशन आती है, एक शॉर्टेस्ट टाइम और एक शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। फर्स्ट वाला जो रास्ता था, इधर वाला था, वो तो नेगलेक्ट हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, वो पढ़ा लिखा इंसान होगा किस डायरेक्शन में स्विम नहीं करेगा, ठीक है ना, रिवर को क्रॉस करने के लिए। अब उसके दिमाग में मान लो बात आता है कि मुझे इस रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट टाइम में, ठीक है भाई। तो मान लो हमारा जो स्विमर है, थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं, हमारा जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करता है विद हिज स्पीड vs, ठीक है, रिवर की स्पीड vr है, vr जो, और स्विमर की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड vs है। जब वो इसमें स्विम करना स्टार्ट करेगा तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा, आप ऑब्जर्व करोगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक। तो अगर ये इधर पर कुछ एक एंगल थीटा से, मान लो हम कोई भी एंगल ले सकते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, वर्टिकल भी ले सकते हैं, तो चलो वर्टिकल भी ले लेता हूं, थीटा एंगल पर भी स्विम कर रहा है, आप चाहो आप यहां से भी ले सकते हो इस परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इसको अपने रिवर को क्रॉस करने के लिए, जब ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा, देयर विल बी द टू कंपोनेंट ऑफ हिज वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा, एक कंपोनेंट होगा वी एस जी कॉस थीटा इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ रिवर, रिवर लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है और वो उसका वेलोसिटी का एक पार्ट, वेलोसिटी का एक पार्ट रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर आ रहा है और दूसरा पार्ट किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा vsg sin। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस vsg sin थीटा इज गोइंग टू बैलेंस दिस रिवर्स वेलोसिटी, ये रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस करने लगेगा, ठीक है, मतलब उसको ज्यादा आगे फ्लो नहीं करने देगा, ज्यादा आगे फ्लो नहीं करने देगा, बैलेंस करेगा इसे, ठीक।
और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो इसको इक्वल टू क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द टाइम टेकन, अगर हम देखें यहां पर कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, विल यू विल से बिकॉज देयर इज एनी एक्सीलरेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट, सॉरी कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से ही चल रहा है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना हो गया d, विड्थ ऑफ द रिवर, उतना ही डिस्टेंस इसको कवर करना है, और किस स्पीड से बेटा इसको कवर करना है, bsg cos थीटा। अब मैंने बोला कि टाइम शॉर्टेस्ट होना चाहिए, शॉर्टेस्ट टाइम, अगर टाइम शॉर्टेस्ट होना चाहिए डिनोमिनेटर क्यों होना चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम होना चाहिए ना, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो टोटल टाइम कम हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखोगे फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, फॉर शॉर्टेस्ट टाइम जो cos थीटा है बेटा इट मस्ट बी 1, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है बेटा। तो अगर आप यहां पर देखोगे थीटा, तो थीटा कितना मिला बेटा आपको 90 डिग्री, cos 0 बन होता है, थीटा मिल रहा है, सब म्यूट हो गया, सर म्यूट हो गया, एक्सक्यूज मी सर म्यूट हो गया, सर म्यूट, सर म्यूट हो गया। जल्दी से जल्दी म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया था, कुछ सही नहीं रहा था, म्यूट हो गया सर, 0 डिग्री के बाद सर कुछ नहीं सुनाई दिया, अब ठीक है सर, पर समझ नहीं आया कि सर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के बाद रिपीट करो, हां रिपीट करो पहले ये बताओ चल रहा है, यस सर, यस सर, ठीक, यस सर। मैं ये बोल रहा था बेटा कि जैसे मान लिया कि कोई भी स्विमर कभी इधर स्विम करने वाला नहीं है, इस डायरेक्शन में कभी प्रेफर नहीं करता है, वो हमेशा इस डायरेक्शन में स्विम करना प्रेफर करता है, जिससे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस करता है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि एक स्विमर इस डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल थीटा स्विम करने जा रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट आ गए बेटा, एक साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ गया, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आ गया, जिसके साथ एंगल बनता है, कॉस आता है उसके परपेंडिकुलर साइन आता है, तो ये जो वेलोसिटी जो स्विमर के बीच में इसके साथ एंगल बनाया थीटा, तो इधर पर कॉस कंपोनेंट आया बीएसजी कॉस थीटा हो गया, और इधर पर क्या आया बेटा साइन थीटा। अब ये बीएसजी साइन थीटा बीएसजी को बैलेंस कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, जो भी है वो कर रहा होगा, ठीक, अपना काम कर रहा है। बीएसजी कॉस थीटा का काम है इसको रिवर को क्रॉस करवाना, ये जो बीएसजी कॉस थीटा है वही इसको इस किनारे से उस किनारे तक ले जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा, बिकॉज कोई एक्सेलरेशन तो था नहीं, कोई एक्सेलरेशन यहाँ पर है नहीं, तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो दैट्स व्हाई द टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होगा बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो गया द विड्थ ऑफ द रिवर, डिस्टेंस हो गया क्या विड्थ ऑफ द रिवर, और स्पीड क्या हो गया बेटा बीएससी कॉस थीटा, बीएससी कॉस थीटा, तो डी अपॉन बीएससी कॉस थीटा। अब क्योंकि हमारे दिमाग में बात ये थी कि हमें शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना है, जल्दी से जल्दी क्रॉस करना, तो ये जो डिनोमिनेटर बेटा ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो कॉस थीटा को मैक्सिमम लिखा, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो दैट्स व्हाई थीटा कितना आया बेटा 0, मतलब इस स्विमर को क्यों स्विम करना है, रिवर के फ्लो के ठीक परपेंडिकुलर अगर वो स्विम करेगा देन ही विल क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, एंड दैट टाइम दैट मिनिमम टाइम ही विल टेक विल बी गिवन एज डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ध्यान रखना, डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, बोलो बेटा समझ आया, यस सर, सर मतलब जो अगर वो सेकंड पाथ लेता तो सबसे ज्यादा जल्दी पहुंच जाता, हां बिल्कुल, अगर वो रिवर के परपेंडिकुलर स्विम करता तो जल्दी मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर जाता, सेम स्पीड में कंपैरिजन हो जाता, अगर कोई स्विमर दो चार दो तीन लोग स्विम कर रहे हैं और तीनों लोग एक ही स्पीड से स्विम कर रहे हैं, तो उन तीनों में से सबसे जल्दी रिवर को क्रॉस हो करेगा जो रिवर के परपेंडिकुलर स्विम करेगा, सर थर्ड वाली सिचुएशन में सर पानी का फ्लो भी तो होगा, थर्ड वाली सिचुएशन मतलब सर जिसमें सर थर्ड वाली सिचुएशन है, यस सर, पानी के फ्लो से डीएक्सेलरेट भी तो होगा सर, वो
नहीं, हमने एक ऐसी रिवर माना है जिसमें पानी कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अगर एक्सेलरेशन आएगा देन वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, तब हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फाइंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, केवल एक ही केस में लग सकता है बेटा, और वो एक केस है हमारे पास ये जो आपके सामने लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का एक केस होता है। यस सर। क्लियर? यस सर। अब देखो क्या होगा, अगर इस स्विमर में रिवर की परपेंडिकुलर, मैं दूसरा डायग्राम के बगल में बनाता हूं, मान लो स्विमर यू परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगी, भाई साहब से जल्दी क्रॉस करने के बिल्कुल परपेंडिकुलर को स्विम कर गया, और ये रिवर की वेलोसिटी, स्विमर तो क्रॉस करके मिनिमम टाइम पर उसको टाइम लगा डी अपॉन वीएसटी, बट रिवर की वेलोसिटी क्या करेगी, रिवर की वेलोसिटी स्विमर को शिफ्ट करती जाएगी, मतलब स्विमर आगे भी जाएगा, मतलब ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, मतलब ये स्विमर जब स्विम करके पूरी नदी को क्रॉस कर चुका होगा बेटा, तो वो एग्जैक्टली पॉइंट बी पर ना जा करके पहुंचेगा पॉइंट सी पर, होगा कि नहीं होगा भाई। ये जो रिवर की वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी इसको खींच करके कहां जाएगी, सी पर, राइट। अगर ये स्टिल वाटर होता तो एग्जैक्टली सीधे जाता, अगले पॉइंट पर पहुंच जाता, लेकिन ये स्टिल वाटर है, रिवर फ्लो कर रहा लेफ्ट से राइट, तो आर्मी को भी वो अपने साइड ले जाएगा, जब आर्मी रिवर में फ्लो करेगा उसको रिवर की वेलोसिटी मिल जाएगी, रिवर वाली वेलोसिटी ऊपर आ जाएगी, रिवर की वजह से वो इधर जाएगा, तो दिस पोर्शन बीसी, दिस पोर्शन ये जो बीसी का था बेटा, दिस इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब अपने एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट से कितना डिस्टेंस आगे जाकर के वो रिवर को क्रॉस करेगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट। अब यहाँ पर जो ड्रिफ्ट आएगा वो कितना आएगा इस केस में, मिनिमम टाइम के केस में जो ड्रिफ्ट आता है वो ड्रिफ्ट कितना आएगा बेटा, तो आप लिखोगे ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। भाई जब तक वो रिवर को क्रॉस नहीं कर रहा था तब तक रिवर उसको क्या करेगी, आगे ले जाती है, ठीक है बेटा। तो ड्रिफ्ट कितना आ गया, वी आर इनटू मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम कितना हो गया बेटा, डी अपॉन वीएस। ठीक है, और ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया बेटा आपके पास, ये वाला फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है, इफ एनी स्विमर स्विम एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल ऑफ द या विद द परपेंडिकुलर ऑफ द रिवर, देन द टाइम टेकन टू क्रॉस दैट रिवर विल बी गिवन एज डी अपॉन वीएस कॉस थीटा। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, अगर शॉर्टेस्ट टाइम होगा तो डी अपॉन वीएससी हो जाएगा, शॉर्टेस्ट टाइम के केस में ड्रिफ्ट कितना आएगा, बट नॉर्मल अगर जनरल केस में जब बेटा ड्रिफ्ट निकालने की बात करोगे तो वीआर इनटू डी अपॉन वीएससी कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अगर वो परपेंडिकुलर ना स्विम करके इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पर स्विम कर रहा है, देन द टाइम टेकन विल बी दिस एंड ड्रिफ्ट विल बी वीआर इनटू डी अपॉन वीएससी कॉस। बोलो बेटा बात समझ में आई, बात समझ में आई? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? सर कॉस थीटा हमने वन ही ले सर इस सिचुएशन में। ये बेटा एक केस हो गया, एक स्पेशल केस हो गया, इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, अगर मिनिमम टाइम में वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है देन कॉस थीटा मस्ट बी वन, अदरवाइज उसकी मर्जी कितने भी एंगल पर स्विम करे। यस सर। वो परपेंडिकुलर ना स्विम करके वो 30 डिग्री के एंगल पर स्विम कर रहा है तो आप क्या निकालोगे कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, निकालोगे ना, कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन वीएससी कॉस, राइट। यस। उस केस में क्या ड्रिफ्ट नहीं आएगा, आएगा, कैसे निकालोगे, वीआर इनटू डी अपॉन वीएससी कॉस, इवन सॉरी सर इन दैट केस आपको वीआर, इन दैट केस आपको वीआर लिखना पड़ेगा, इन दैट केस आपको लिखना पड़ेगा ड्रिफ्ट, मैं बता जनरल केस में जो ड्रिफ्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर जनरल केस में जो ड्रिफ्ट आएगा बेटा वो आएगा वी आर माइनस वी एस जी साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी एस जी कॉस थीटा।
ठीक है बेटा, जनरल केस में जो आएगा वो यही आएगा। जनरल केस में जो ड्रिफ्ट आएगा vr minus basic sin theta into d upon basic cos theta। देखो जब वो परपेंडिकुलर स्विम कर रहा था तब उसकी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट रिवर के अलोंग नहीं था, रिवर के फ्लो के अलोंग नहीं था, लेकिन अगर वो कुछ एंगल पर स्विम करेगा उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट रिवर के अलोंग के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो vr में से basic sin theta को माइनस करोगे दैट विल बी नेट वेलोसिटी अलोंग द रिवर फ्लो इनटू टाइम, टाइम कितना d upon basic cos theta। तो जनरल केस में ड्रिफ्ट कितना आता है बेटा, मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट शॉर्टेस्ट टाइम पर इसका तो इतना आता है, जनरल टाइम इतना लगता है, मिनिमम टाइम इतना लगता है। आई होप दैट आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत बेटा? नहीं, कोई दिक्कत? आवाज आ रही मेरी? ओके ठीक, चलो अब बेटा दूसरी बात क्या आती है, एक पॉइंट ही आपने नोट कर लिया, एक दूसरा पॉइंट हम और नोट करवा लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो अगली बात है वो ये है, इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ, अब उसको ये लगता है कि मुझे इस रिवर को क्रॉस करना है लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना है, तो ये हो गया बेटा मान लीजिए परपेंडिकुलर टू द बैंक, परपेंडिकुलर टू द बैंक की लाइन मुझे बना दिया। अब स्विमर को क्या करना है, उसके दिमाग में बात आती है कि आई वांट टू स्विम इन शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग उसको स्विम करना है, मतलब जब वो इस रिवर को क्रॉस कर ले कंप्लीटली, इसको क्रॉस कर ले तब। सर जनरल केस क्या था बेटा, जनरल केस ये था जैसे मान लो, चलो यही पर हम देख लेते हैं बाद में, जनरल केस हाउ टू फाइंड आउट टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, राइट? जैसे मान लो कोई एक स्विमर है, इस रास्ते इधर पर कोई फ्लो नहीं स्विम नहीं करता बेटा क्रॉस करने के लिए, हर कोई इस डायरेक्शन को प्रेफर करता है टेकिंग, ठीक है, रिवर को क्रॉस करने की बात आए तो बाकी आप टाइम पास करने के किसी के अंदर आप स्विम कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू क्रॉस द रिवर देन यू हैव टू स्विम एट सम एंगल, ठीक है ना? और मैंने यहाँ पर एंगल थीटा के टर्म में लिया था बेटा, सारा आंसर थीटा के टर्म में निकाला था वर्डिंग के साथ, तो क्वेश्चन में एंगल यहाँ से दिया है तो आपको कोई यूज नहीं होना है, तरीका वही अपनाना है जो आपको बताया जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विम, पीएस को मैंने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ स्विम, एंड द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद स्पीड vr, कांस्टेंट स्पीड vr, ठीक है। अब अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, ये स्विमर इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, तो आप ये पता लगाओ कि भाई ऐसा कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो इसको क्रॉस करवा रहा है, जो इसको रिवर को क्रॉस करवाने के लिए रिस्पांसिबल है। तो भाई इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट बेटा देखो इधर पर आ गया vs cos थीटा व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है, एंड दूसरा कंपोनेंट बेटा आपको इधर पर दिखाई पड़ रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पर दिखाई पड़ रहा है vs sin vs, so there are two components vs cos theta perpendicular to the flow of the river and vs sin theta opposite direction of flow of the river। ab aapse bola jaye what is time taken to cross the river, to river ko cross karne ka matlab kya hai, usko ab ke along jana hai na, to ab ke along kaun si velocity vs cos theta usko cross karwane ke liye responsible kaun hai, vs cos theta, to time taken will be given as distance matlab width of the river upon speed, to kis speed se wo cross kar raha beta vs cos theta, this is the time taken by a swimmer to cross the river, general case हो गया, कोई इसमें मतलब condition supply नहीं है कि shortest time shortest path का कुछ नहीं, बस एक swimmer आया कूद गया नदी में कुछ अंदर पर, तो अब आप बैठ के calculation कर लो कि कितना time लगेगा इसको cross करने में, ये time लगेगा। जब ये इसको पूरे river को cross कर लेगा, in that case what will be the drift? Drift का मतलब ये होता है बेटा, जिस point से swim करना start किया उसके ठीक opposite point की राइट साइड या लेफ्ट साइड में कुछ डिस्टेंस को जो है बच जाता है, एक्जेक्टली अपोजिट नहीं पहुंचता है, तो वो जो डिस्टेंस बच जाती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट अगर आप यहां पर निकालेंगे तो ड्रिफ्ट का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टली कितना आगे या पीछे हो जाएगा, देन यू विल राइट डाउन व्हिच वेलोसिटी इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर द ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पांसिबल होने वाली बेटा, तो ड्रिफ्ट के लिए रिस्पांसिबल होने वाली है vs sin theta और vr का जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट, भाई नदी इधर जा रही थी 5 मीटर पर सेकंड से, स्विमर के पास एक वेलोसिटी इधर आ गई 2 मीटर पर सेकंड से,
तो नदी उसको एक सेकंड में 5 मीटर आगे लेगी और स्विमर खुद अपनी तरफ से एफर्ट लगाकर 2 मीटर पीछे चला गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 मीटर का हुआ एक सेकंड में। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड, एक्चुअल में रिवर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, स्विमर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ऑब्वियसली राइट। तो ड्रिफ्ट अगर यहां पर निकाली थी कितनी मिल राइट डाउन द नेट वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हिच इज vr - vs sin थीटा, दिस इज द नेट वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल into time taken to cross the river, so it was V upon Vs cos. This is the drift. ये था बेटा general case. अब इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि shortest path, ठीक ना? Sorry, shortest time. तो shortest time की हमने इसको क्या किया था? Maximum कर दिया था, cos theta को 1 लिख दिया था, theta 90 0 हो गया। मतलब you have to swim perpendicular to the flow. अब अगर आपसे बोला जाए कि शॉर्टेस्ट पाथ, अब ये जो हमारा स्विमर है अब ये चाहता है कि ये रिवर को क्रॉस करे लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ में, बेटा शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा कि वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करे, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस काफी होगी, उतना ही डिस्प्लेसमेंट उसका है जितना की रिवर का ड्रिफ्ट है। मतलब वो पॉइंट ए से स्विम करना स्टार्ट करे एंड एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट बी पर खुद जाए तो वो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ में सर एक बार रिपीट कर दो, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। Which one बेटा, ये general case का formula लिखा है बस, वो repeat कर रहा था मैं, देख लो अगर इसमें ऐसा कोई point है जो drift, okay okay, drift का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे A से swim करना है start के point B पर पहुंचना है exactly opposite पहुंचना है, लेकिन real में exactly opposite को पहुंच नहीं पाता है, या तो बी से कुछ डिस्टेंस आगे इधर चला जाएगा सी तक, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो आगे निकल जाता सी तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो एक्स्ट्रा कवर कर लेता है बेटा, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट, यही होता है ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट निकालने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, हॉरिजॉन्टल वाली, द वेलोसिटी व्हिच इज अलोंग द रिवर फ्लो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट, फिर ड्रिफ्ट का एक फॉर्मूला हमने दे दिया vr - vs sin θ / vs cos, ठीक है बेटा। अब तीसरा केस यहां पर देखो, तीसरा केस हम यहां पर डिस्कस करना है, दैट इज फॉर्मूला नोट करते जाना बेटा, हम दिस क्वेश्चन पर आते हैं, तीसरा केस फॉर कर बस इसी के नीचे कर रहे हैं। अब मान लो उसके दिमाग में बात आती है शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को कवर क्रॉस करना है फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली ए से चले और बी पर पहुंच जाए जस्ट अपोजिट, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिवर की विड्थ के बराबर का है, अगर ऐसा हो जाता है ठीक है तो शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा बेटा। अब ऐसा कैसे पॉसिबल, ऐसा इस तरह से पॉसिबल है कि उस स्विमर की जो वेलोसिटी रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में है ना vs sin थीटा, वो रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस कर, मतलब अगर रिवर फ्लो कर रहा 5 मीटर पर सेकंड इधर लेफ्ट से है तो स्विमर का जो कंपोनेंट है 5 मीटर पर सेकंड राइट लेफ्ट आ जाए, तो अब आगे पीछे बिल्कुल होगा ही नहीं, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल सीधे पॉइंट पर जाएगा, हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ, बोलो बात समझ में आ रही। तो अगर इसको शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करना है तो इसका मतलब ये हुआ दिस vs sin थीटा मस्ट बैलेंस vr, vs sin थीटा vr को अगर बैलेंस कर ले बिल्कुल एग्जैक्टली सीधे पहुंच जाए वो पॉइंट ए तक मिनिमम पाथ है ना बेटा। तो क्या करना है, अगर मिनिमम पाथ होता है बेटा तो इस केस में ड्रिफ्ट हो जाता है जीरो, ड्रिफ्ट कितना हो जाता है बेटा जीरो, अगर ड्रिफ्ट जीरो हो गया तो मतलब उसने शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस कर लिया है, अगर ड्रिफ्ट जीरो हो गया तो उसने मिनिमम पाथ में रिवर को क्रॉस कर लिया, तो ड्रिफ्ट अगर जीरो हो गया इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो वेलोसिटी रिवर की है वही वेलोसिटी vr जो है वो vs sin थीटा के बराबर हो जाना चाहिए, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर vs sin थीटा के बराबर हो गई इसका मतलब वो शॉर्टेस्ट पाथ में कवर कर लेगा रिवर की विड्थ, ठीक है। तो कितने एंगल पर उसको स्विम करना चाहिए भाई, तो आप यहां पर बता सकते हो कि थीटा है sin इनवर्स vr / vs, तो अगर कोई शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो उसको कितने एंगल पर स्विम करना पड़ेगा बेटा, कितने एंगल पर, वर्टिकल के साथ sin इनवर्स vr / vs एंगल पर
स्विम करना पड़ेगा। बोलो बेटा बात समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत हो बीच में छोटा भी डाउट हो तो जल्दी से बोल दो। समझ आया? समझ आया? Yes, sir. ठीक है, अगर कभी आपसे शॉर्टेज पाथ की बात करेगा तो ठीक है, इक्वल टू साइन इनवर्स बी आर अपॉन बी एस लगाएंगे और फटाफट आपको यहाँ से पता चल जाएगा कितनी दूर पर उसको स्विम करना है। चलिए चलिए तो हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी को क्वेश्चन लिखना, In minimum time. He takes 10 minutes. ठीक है, वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है मिनिमम टाइम में, तो मिनिमम टाइम में जो रिवर को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगता है? 10 मिनट लगता है। ठीक है, और जब वो शॉर्टेस्ट टाइम कवर करेगा तो वहां पर ड्रिफ्ट भी आएगा, तो विथ ड्रिफ्ट ऑफ 120 meters. He takes 12.5 minutes. What is the velocity of the swimmer with respect to water? वाटर के रिस्पेक्ट में स्विमर की वेलोसिटी क्या है? सिर्फ फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब मेरे कहने का ये था, यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर बताना है। आया बेटा किसी का? मैं बताऊं? चलो यहां पर आपसे ये बोला गया कि अगर वो मिनिमम टाइम के अकॉर्डिंग चलता है
ठीक। सबसे पहले तुम्हारा ये हमारा रिवर हो गया बेटा, ठीक। अब इस रिवर की वेलोसिटी को मान लेते हैं यू, और आदमी की पीछे वेलोसिटी क्या आएगी, ठीक है, आदमी की पीछे वेलोसिटी आएगी बेटा, ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन, इधर मैंने लिख दिया, ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया बेटा, मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ एक कंप्लीट प्रोफाइल बनाकर दिखाता हूं आपको, अगर ये रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो देयर विल बी अ कंपोनेंट, मतलब आदमी की वेलोसिटी होगी बेटा, आदमी की वेलोसिटी शॉर्टेस्ट टाइम की बात हो रही ना, तो शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब दिस इज द स्पीड ऑफ द मैन, ठीक। और ये रिवर को क्रॉस करना चाहता है, देयर विल बी सम ड्रिफ्ट के साथ आएगा बेटा, तो इस लाइन के अलावा जो वेलोसिटी आएगी उसको हम अगर v मान लेते हैं तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वाटर लेते हैं। बोलो बेटा ये वही चीज होगी नहीं, क्योंकि आदमी जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है A से, ठीक है, और वो पहुंच रहा है यहाँ पर BC पर, और BC आपको दिया गया 120 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में A से C को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही आएगा ना, A से C के अलोंग आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर टाइम आपको यहाँ पर दिया गया विड्थ ऑफ द रिवर कुछ मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं, ठीक। तो इसमें जो टाइम लगेगा, टाइम आपको दिया गया कितना, 10 मिनट का टाइम दिया गया, तो टाइम की बात तो क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड में यहाँ पर लगाते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर हम यहाँ पर लगाएंगे देन वी आर गोइंग टू गेट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड मतलब क्या हो गया बेटा v, और ये हो गया 10। अब जरा कोई मुझे बताया है यहाँ पर v क्यों लिखा, vm ना लिख करके v क्यों लिखा, छोटी छोटे पॉइंट्स क्लियर होंगे आप जल्दी बताओ, हमने यहाँ पर d अपॉन v क्यों लिखा, d अपॉन vm क्यों नहीं लिखा, जो मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल आपको बनाकर दिखाया इसका एक्चुअल में, बट यहाँ पर सर बिकॉज इट इज विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बिल्कुल, जब ये स्विमर स्विम करेगा ना बेटा मिनिमम टाइम के लिए, तो स्विमर की वेलोसिटी नहीं, स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में हमेशा AB के अलोंग होगी, बनी रहनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा d अपॉन v, तो d अपॉन v इक्वल्स टू 10 मिनट आ गया, एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बन गई बेटा। अब दूसरा आप यहाँ से ड्रिफ्ट निकालो, ड्रिफ्ट कितना है, तो ड्रिफ्ट अभी आपको दिया गया कितना 120, तो ड्रिफ्ट को हम लिखते हैं क्या लिखते हैं बेटा, रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम, रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम, u इनटू टाइम, तो ड्रिफ्ट कितना है 120, ठीक है ना, टाइम कितना लग गया बेटा 10 मिनट का, u इनटू 10, ये तो हमें रिवर की वेलोसिटी यहां से मिल जाएगी, व्हिच इज 12 नहीं यूनिट का भी ध्यान रखना बेटा 10 मिनट था, 10 इनटू 60, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वी विल राइट डाउन 12/60 1/5 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये रिवर की वेलोसिटी है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, हमने टन मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा आपसे बोला गया शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम आपको बोला गया, अब शॉर्टेस्ट पाथ के केस में क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ के केस में तो ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट पाथ के केस में हमारा जो स्विमर था वो इधर कहीं स्विम कर गया होगा, हमारा स्विमर इधर कहीं स्विम कर गया होगा, ठीक, तो कितना टाइम लगा होगा इसको रिवर को क्रॉस करने में, तो टाइम कितना लगेगा फिर बताएगा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कितना टाइम लगेगा, वेलोसिटी प्रोफाइल बनाओगे कैसे, शॉर्टेस्ट पाथ की वेलोसिटी प्रोफाइल,
देखो जब वो शॉर्टेस्ट पास पर चलता रहेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होती है आप हमेशा इस एंगल पर रखते हो जिससे इसके पास एक कंपोनेंट हो जो रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस करता। इसको मैं थोड़ा सा आगे तक बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में जो रिवर को क्रॉस कराता है वो वेलोसिटी ऑफ माइंड हो जाता है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाता है, और इस डायरेक्शन में जो आता है ये वाला जो वेलोसिटी जिसको हमने कुछ एंगल पर बनाया है This is velocity of man with respect to river. ये velocity profile, ये angle theta होता है और river के flow के साथ अगर देखोगे तो pi by 2 आपको इसमें add करना पड़ेगा। ये velocity profile है। अगर आप इसमें निकालेंगे कि what time he is going to take, तो ये हो गया, इसको मैंने v माना था और river की velocity को u माना था। तो ये velocity कितनी आ जाएगी? ये जो speed है perpendicular direction में जो speed है बेटा वो कितनी आ जाएगी? लिया जाएगी आपका अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और इस समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आप लोग बिल्कुल शांत बैठो, पता नहीं चल रहा है। सर आपने, हाँ सर, आपने सर टॉप में सर वी एन वी ई आर क्या लिखा है? किसने कहा पर सर? टॉप में नहीं सर, यू नीचे नीचे डायग्राम में ये वाला। Yes, so V and V E R equals to U. V man equals to under root V square minus U. Sir, इस diagram से top में लिखा है सर आपने V and V E R equals to 2. ये N नहीं है बेटा, ये R है, I है। Velocity of river. River की velocity बेटा जिसको मैंने U माना था पहले वाले part में, यहाँ पर U माना था। और भी हमने माना था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो जब शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? यस सर। तो जो वेलोसिटी इसको क्रॉस कराएगा, आप यहां पर पाइथागोरस लगा कर देखो, ये v है, ये u है, इसको निकालना है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो जो टाइम लगेगा बेटा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, यहां पर करता हूं, जो टाइम लगेगा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए वो आपको दिया गया था 12.5 मिनट का, ये भी ध्यान रखना मिनट दिया हुआ था। और कितना टाइम लग गया बेटा? v / अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। एंड अनफॉर्चूनेटली यू हैव टू फाइंड आउट दैट वैल्यू, व्हिच वैल्यू बेटा? v, आपको v निकालना है। तो 12.5 * 60 कर देता हूं इज इक्वल्स टू d की जगह क्या लिखना है? d की जगह आपको लिखना है 10 * 60 v, 10 * 60 v। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो बेटा, 2y को 1 करोगा, अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स 10 अपॉन 12.5, 100 अपॉन 125। सॉल्व करोगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर कर देंगे 100 × 100 अपॉन 125 × 125। अब ये हो जाएगा v square equals to u square plus 100 × 100 upon 125 × 125, u की वैल्यू डाल दो बेटा 1/5 आया है। कैलकुलेशन आप करोगे v की वैल्यू बढ़ जाएगी, v ही पूछा गया था, यही दिया। तो पहले हमने शॉर्टेस्ट टाइम का लगाया कंडीशन, फिर शॉर्टेस्ट पाथ का कंडीशन लगाया और उसको सॉल्व किया। बोलो समझ आया? कोई दिक्कत नहीं पर सर आपने सर रूट कैसे हो गया? सर आपने सर रूट कैसे हटाया? रूट कैसे हटाया? स्क्वायर करके बता, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यस सर, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको इसको सॉल्व करना होगा ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लगाते हुए। ठीक है, बस उसके कंपोनेंट्स को देखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर है, वर्टिकल कंपोनेंट किधर है, उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करिए, इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे डाउट ले सकते हैं इसकी, रिवर स्विमर की और रेन और माइन। ठीक है बेटा? हाँ बेटा बोलो। सर आपने वी मैन का रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कैसे लिया? पाइथागोरस लगाओ बेटा। यस सर, आपने सर पाइथागोरस के लॉ में उसमें, हाँ बेटा वेलोसिटी प्रोफाइल में। यस सर।
ठीक है, फिर बाकी इसके जो क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे आप उसको सॉल्व करिएगा, मुझे बताइएगा। और भी कोई क्वेश्चन अगर आप एस एस सी वर्मा में लगा रहे हो, एस सी वर्मा में भी एक और क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको शायद ना बताया कि मैंने क्लास में, शायद ऐसा क्वेश्चन है जैसे कभी कभी आ जाता है कि कुछ पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता बेटा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, उसे मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। अब क्योंकि मैंने नया टॉपिक स्टार्ट करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको आज दे देता हूँ थोड़ा सा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी मतलब एक सिनेरियो बना देता हूँ कि हमें यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा बेटा। दो पार्ट में मतलब सबसे पहले तो बेसिक्स करेंगे, ठीक है, सेपरेट होकर के आप इस मूल की बुक से थोड़ा सा हट करके कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे एंड देन स्कूल की बुक पर वापस आएंगे, ठीक है। एक दो लेक्चर थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जिसका एक दूसरा नाम भी है बेटा डायनामिक्स, यू आर गोइंग टू स्टडी डायनामिक्स। अब ये डायनामिक्स क्या है, या फिर कहीं कहीं इसको काइनेटिक्स भी लिखा जाता है, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स नहीं, काइनेटिक्स। अभी तक आपने जो पढ़ा वो काइनेमेटिक्स था, काइनेमेटिक्स का मतलब था कि अभी तक आप ये पढ़ रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, उसका डिस्टेंस, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड, उसका एक्सेलरेशन, बस यहीं तक आप लिमिटेड। आपने ये नहीं सोचा कि ये जो डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ रहा है कहां से आ रहा है, व्हाट कॉजेस द एक्सेलरेशन एक्चुअली, व्हाट कॉजेस द मोशन इन एनी ऑब्जेक्ट। सो नाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस दैट हियर। अब आप इसको यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट में क्यों आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों आता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन के लिए। तो उसका न्यूटन ने अपना कुछ ऑब्जर्वेशन वगैरह करके एक आपने बड़ी अच्छी सी कहानी पढ़ी थी छोटी क्लास में नाइन्थ वगैरह में, ठीक है, अच्छी सी कहानी आपको सुनाई गई थी कि हाँ कोई अरेस्टेटिव थे, फिर कोई और था, गैलीलियो था वगैरह वगैरह था, वो सब आपने पढ़ करके ये जान लिया था कि व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कितने होते हैं बेटा, तो आपने देख लिया था तीन होते हैं, तीनों को पढ़ा भी आपने, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। पूरा जो कंक्लूजन है क्लास नाइन्थ का, उसका कंक्लूजन ये है, एक क्वेश्चन निकल कर आता है व्हाट कॉजेस द मोशन, और आंसर भी निकल कर आता है इट इज एक्चुअली फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है। अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट में मोशन आएगा, ठीक है बेटा। तो हमारा जो टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मतलब डायनामिक्स, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें यहां पर करना है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं और उस फोर्स का इफेक्ट क्या आ रहा है, उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किधर को हो रहा है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहां जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, कितने एक्सेलरेशन से, कितना डिस्टेंस ऊपर करने वाला, वो सारी बातें हमें यहां पर डिस्कस करनी है। सब कुछ मोशन के बारे में फिर से पढ़ना है बाय कंसीडरिंग द फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक जो जिस बेसिक की बात कर रहा हूं वो है बेटा फोर्स। अभी तक आप फोर्स के बारे में क्या क्या पढ़े हो, फोर्स के बारे में क्या जानते हैं, इतने बाकी लोग चले गए क्या क्लास, कितना टाइम हो गया, ये जल्दी क्यों बक्के, हिंदी का बार लेता हूं मैं, एक सेकंड बेटा थोड़ा सा होल्ड करना, बताता हूं मैं फोर्स क्या है, दो मिनट, इस मंडे नहीं अगले मंडे, क्या बताया आपने, फोर्स इज अ कॉज दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ओके ओके। तो जो फोर्स होता है बेटा, फोर्स एक ऐसा कॉज होता है जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज आता है। आपने सिर्फ मोशन के रिस्पेक्ट में बताया, स्टेट में चेंज आता है, स्टेट में चेंज आने का मतलब क्या है बेटा, मतलब अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, सीधा जा रहा था उल्टा चलने लगेगा, मतलब डायरेक्शन भी बदलेगा, ठीक है, रेस्ट में भी आ जाएगा, मोशन स्टार्ट भी हो जाएगा। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज दैट कॉज विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है,
ठीक है बेटा, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदलेगा या बदलने की कोशिश करेगा। क्लियर, समझ आई बात? होस्ट एक ऐसा क्लास है जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदलता है, तो हम यहां पर सिर्फ ये लिखेंगे कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज। क्या क्या बेटा? नंबर वन, स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट को चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन, मोशन को बदल सकता है। एंड स्टेट ऑफ डायरेक्शन, एज वेल एज एक और काम कर सकता है, सपोज शेप एंड साइज को भी बदल सकता है या बदल देता है, बट इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, अभी हमारा मोशन पे ही डिस्कशन रहेगा इन्हीं चीज पर। तो एक फोर्स एक ऐसा कॉज है जो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज कर देता है, बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी फोर्स के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फोर्सेस, इस फोर्स के कितने टाइप्स। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें बेटा, हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले उसके अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है बेटा, दो तरह के फोर्सेज में हम इसको कैटेगराइज करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ये तब आता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, और नॉन कॉन्टेक्ट तो आता है बेटा जब वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ना। तो इस कॉन्टेक्ट फोर्स का कुछ एक एग्जाम्पल है, मैं वहां पर ये लिखता हूँ बेटा, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन रिएक्शन, सॉरी टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन, और एक और फोर्स आपका यहाँ पर आएगा, नॉर्मल हो गया, टेंशन फ्रिक्शन हो गया, वेट। यस, देखो वेट हमारा जो है बेटा वो कॉन्टेक्ट फोर्स में नहीं आता, वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में आता है, पर वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो हमारा जो कल का टॉपिक होगा ना, उसमें ये चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्या है, टेंशन क्या है और वेट। और हाँ, फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा नहीं, बस डिस्कस करूंगा, होता है फ्रिक्शन तो पूरा का पूरा एक अलग से टॉपिक है, उसको डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इस न्यूटन्स लॉ में हमारा पास, हमारे सामने जो मेन दिक्कत आती है, नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, टेंशन किधर लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, कैसे लगेगा, ये डायरेक्शन वाली सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है। कहाँ आएगा, कैसे आएगा, टेंशन यूनिफॉर्म कैसे होता है, टेंशन स्ट्रिंग में बदलता कैसे, टेंशन मास की वजह से क्या टेंशन बदल जाता है, मासलेस या फ्रिक्शनलेस क्यों लेते हैं, ये सारी बात, ये सारा बेसिक। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग इसे कल हम आपसे डिस्कस करेंगे, आज आगे ज्यादा लोग चले गए हैं, कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। ठीक है, बस उनको मैं कॉल करवाता हूँ। और हाँ, कल आपकी क्लास होगी बेटा, कल क्योंकि एक क्लास आपके बीच में नहीं हुई थी, तो कल आपकी क्लास होगी, टाइमिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक कल वाली क्लास को आप मिस मत करिएगा। ठीक, चलिए फिर कल मिलते हैं, कुछ पूछना होगा पूछ सकते हो आप। थैंक यू बेटा। सर कैन यू टेक दिस एवरीथिंग मे बेटा, मैं तो ले सकता हूँ इसके बारे में, योगी सर से बात करो, लेने को मैं ले लूंगा। ओके ओके बेटा, थैंक यू।